सहमति। अच्छा, आपके हिस्से में मतलब पापा जी के भाई, हाँ, पिताजी के हिस्से में आई थी 20 बीघे। आज अगर बात करें फिलहाल 30 साल हमें नहरे हुए हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमारे पास जमीन है 70 बीघे। 70 बीघे जी, यानी कि 20 बीघे था, 50 बीघे जमीन और खरीद दीजिए आपने। कितना समय लगा मतलब इतनी जमीन बढ़ाने में? यो समय लगा लो आप हम 20 साल। 20 साल का नहीं चलता था ये। अच्छा चलता था जी। अच्छा, फोर्ड जैसे चला रहे आप जी, जुताई उताई में स्पीड बढ़िया की है? जी लगा ना चला, जी लगा। अब फोर्ड वाले मैंने बहुत किसान देख लिए, फोर्ड चला के जी लगा, मतलब क्या ऐसी खास बात है इसमें? सारा दबता नहीं, टैक्टर दबता नहीं। अच्छा, स्लिप तो ज्यादा ले मेसी की तरह, है ना जी? मैं इसको 7 फुटा रूटर पहली बार गिरा। अच्छा, 7 फुटा रूटर के हिसाब से ट्रैक्टर दबता भाई साहब? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मैंने, आइटम 26 भी चलाओ तो 26 हॉर्स पावर का था। हाँ जी, हाँ जी, उससे तो कहीं ज्यादा पावर ले रहा था, कहीं ज्यादा पावर ले रहा। और कुछ ट्रैक्टर की विशेषता लगी हो आपको जैसे चला रही? उससे बहुत ज्यादा विशेषता, इसे कोई से चला लो दूसरे के मीडियम में चला लो, लोग तो आज तक मन लगाया ही नहीं। अच्छा, मीडियम में चलाओ जी। मीडियम में चलाओ जी। जी, अगर बात करें किसान ट्रैक्टर लेके चल दिया कर रहे जी, ट्रैक्टर चलाने में आराम से लेके, डीजल के खर्चे की अगर बात करें? डीजल का खर्चा इसका लीटर से ऊपर गया ही नहीं, लीटर से ऊपर। आतियो नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं गांव भूड़पुर जट में, जो कि भाइयों उत्तराखंड के बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है इनका। ये उत्तराखंड मारे, इससे अगला गाँव उत्तर प्रदेश में है। तो भाइयों, आज आपको एक ऐसे शौकीन किसान से मिलवाने जा रहे जो भाइयों एक तो संयुक्त तो परिवार है इनका, ट्रेंच विधि द्वारा गन्ना बोरे और मकान में कई वर्षों से काम चल रहा, अपने दिमाग से बिना आर्किटेक्चर के मकान बना रहे। तो आज की वीडियो में भाइयों टोटल तो इनका मकान दिखाऊंगे, एंटिक ट्रैक्टर है इनके पास में और टोटल इनके कृषि यंत्र। तो सबसे पहले मैं किसान भाई से मिलवा दूं एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को परिचय करवा दो जी। भाई साहब, मेरा नाम प्रदीप राठी जी। जी, गाँव गुड़पुर जट। अच्छा जी, ये तो उत्तराखंड में आ रहा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बोर्ड रखे गाँव है? बोर्ड रखा। अच्छा, कौन सा गोत्र है जी? यहाँ से ज्यादातर राठी है जी। राठी है जी। अच्छा अच्छा, तो चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ा कर चलते। तो भाइयों, ये देखो मकान में राठी जी कितने दिन से चल रहा कार्य? भाई साहब, ये मानो करीब 10 साल हो गए इसमें, धीरे धीरे जब भाई इतने 10 साल हो गए। अच्छा अच्छा, अब की बार फिर थोड़ा सा लगाना चाह रहे जी। जी जी। अच्छा अच्छा, तो पहले तो दी बात अपनी थोड़ी सी फैमिली के बारे में कर ले। आप कितने भाई हो जी? तीन भाई हो जी। तो आप सबसे छोटे? मैं बीच वाला। अच्छा अच्छा, छोटे वाले पुलिस में। अच्छा, कौन से? उत्तराखंड या? उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस। 20 साल हो गए मैं। अच्छा, 20 साल हो गए जी। और आप अपनी खेती देख रहे हैं? मैं अपनी खेती देख। अच्छा, बड़े वाले भाई? बड़े वाले भाई मेरा सहयोग भी कर रहे हैं और बिजनेस भी देख रहे हैं। अच्छा, बिजनेस भी देख रहे। तो संयुक्त परिवार है जी? हाँ जी। कितने सदस्य है एक साथ? 13 सदस्यों का एक साथ संयुक्त। तो आपके जो बच्चों की भी अभी कोई शादी हुई नहीं? नहीं। शादी लायक हो रहे बच्चे? हाँ, शादी लायक हो रहे। लेकिन अच्छा, आपके पास में कितने बच्चे हैं? मेरे पास में 2 लड़के हैं, छोटे वाला। हाँ जी वाला, हाँ, मेरा रुड़की पड़ रहा है। अच्छा, रुड़की पड़ रहा जी। जो सबसे बड़े वाले पुलिस, उनका भी एक लड़का है, वो वहीं पड़ रहा है। अच्छा, वहीं पड़ रहा जी। एक लड़की। सबसे बड़े वालों का जी? सबसे बड़े वालों का एक लड़की एक लड़का। अच्छा, सीमित है जी अपना, एक लड़की एक लड़का जी। अभी शादी किसी की नहीं? शादी किसी। चलो जी, बात करें अगर जमीन की जी, जमीन कितनी? जमीन भाई साहब कभी नारे हुए थे तो 20 बीघे थी हमारे पापा के जो हिस्से में थी। अच्छा, आपके हिस्से में मतलब पापा जी के भाई, हाँ, पिताजी के हिस्से में आई थी 20 बीघे। आज अगर बात करें फिलहाल 30 साल हमें नारे हुए हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमारे पास जमीन है 70 बीघे। 70 बीघे जी, यानी कि 20 बीघे था, 50 बीघे जमीन और खरीद दीजिए आपने। कितना समय लगा मतलब इतनी जमीन बढ़ाने में? यो समय लगा लो आप हम 20 साल। 20 साल का? 20 साल का संघर्ष। 20 साल के संघर्ष में यो मकान। हाँ जी, हाँ जी। प्लस जमीन और हाँ, यो बारदाना। तो मेहनत करी जी, खूब मेहनत। आज भी कर रहे हैं? आज भी कर रहे जी। बालक भी अपने खेती में अपने साथ जोड़ लिए। नहीं, अपना काम सिखाना चाहिए, पुश्तैनी काम है जी, खेती से दूर नहीं जाने। हाँ जी, हाँ जी। अगर बात करें जी, जैसे आप गन्ने की खेती कर रहे, ट्रेंच विधि पे लगभग कितने दिन पर? ट्रेंच विधि पर मैं पहले 2 बीघे से आया था। हाँ जी, हाँ जी। 2 बीघे से 4 करी। हाँ जी। फिर मेरा उसमें ध्यान बढ़ा और। हाँ जी, हाँ जी। फिर मतलब 4 साल क्या 5 साल हो गया मुझे ट्रेंच पर, फिर मैं बिल्कुल मगा बारदाना भी बना। अच्छा अच्छा, लाभ लगा मतलब? लाभ लगा। तो 70 बीघे जमीन की खेती आप ट्रेंच विधि द्वारा कर रहे हैं? बिल्कुल जी जी। अगर बात करें जैसे ये मकान बना रही है आप जी, तो इसमें एरिया की बात करें तो कितना एरिया जी? ये भाई साहब एक 1.5 बीघा मकान है। 1.5 बीघा में? सॉरी, 1 बीघा। 1 बीघा जी। तो ये आपका यहाँ खेत बिता रहा था जी? हाँ, क्या सारा खेत है अपना। अच्छा अच्छा, यहीं पे भाइयों देखो बिल्कुल बराबर में चक है इनका और गांव के बाहर बिल्कुल बिल्कुल शानदार मकान भैया जी तैयार करवा रहे। तो भाइयों चलते एक बार, अभी चलते चलते। हाँ जी। तो भाइयों यहाँ से देखो एंट्री कर ली हमने और पेड़ पौधों का भी देखो कितना अच्छा ध्यान रखा गया, बहुत ही शौकीन किसान है ये। देखो भाइयों गमलों से लेकर
ये देख लो जी। तो भाइयों सबसे पहले बात कर ले, ट्रैक्टर है इनके पास में, ये महिंद्रा 265 DI। तो भाइयों महिंद्रा 265, आ जाओ जी सामने आ जाओ जी। तो भैया जी ये कितने साल पहले लेकर आए थे जी? अभी 2 साल हो जी। 21 मॉडल है। 21 मॉडल है जी। ये तो गन्ने आपके सेंटर पे जाए जी, मिल गेट पर। कौन सा मिल लगे? उत्तम शुगर मिल, लिबरेडी। लिबरेडी, अच्छा अच्छा कितने किलोमीटर पड़े? 7 किलोमीटर है सर। बहुत बढ़िया जी। तो भाई ये मैं 65 महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर लिया इन्होंने, और मरगाड़ वगैरह भी लग रहे। कौन सा बताया जी मॉडल? 21 मॉडल, 2021 मॉडल जी। इससे पहले महिंद्रा चलाया पहली बार लिया जी? महिंद्रा चलाया जी मैंने, 2006 में भी चलाया। अच्छा जी। और 2015 तक महिंद्रा चलाया जी जी। फिर बीच में कोई झगड़ा हो गया था हमारा, उसमें हमने बेच दिया था वो। हाँ। फिर फोड़ ले आया था। अच्छा, फिर फोड़ लाए। फिर फोड़ लाए। अच्छा अच्छा। तो भाइयों देखो ये तो हो गया इनका ट्रैक्टर यहाँ से, महिंद्रा 265 गन्ने डालने के लिए इन्होंने अपना स्पेशल ले रखा। ये डालने वाली ट्रोली होगी। ये कहाँ की जी बनी हुई? गन्ने तो इससे जाते होंगे। हाँ, गन्ने से जाते। अच्छा अच्छा, कहाँ की बनी हुई? या इसकी हरी जमुनानगर की। अच्छा अच्छा, ये भाइयों हिंच वाली बोगी होगी। और सबसे पहले मैं इनके ट्रेंच विधि के कृषि यंत्र दिखा दूं मैं आपको। ये देखो इनके तख्ते हैं, और सीढ़ी देखो कितनी है। तो सीढ़ी बहुत लंबी टांग रखी है मकान में। हाँ, मकान में जरूरत पड़ी थी अभी लाए होंगे। हाँ जी। तो भाइयों ये आ गया इनका मिट्टी उतारने का भी और चढ़ाने का भी, दोनों का यही काम करे। ये देखो जी, ये कहाँ का जी बना हुआ? ये थीतकी का जी। यो भी क्या कहाँ का जी? थीतकी गांव, यहाँ से मंगलोर के पास। अच्छा, मंगलोर के पास में पड़ा था। बढ़िया बनाया है। बहुत बढ़िया। अच्छा जी। और ये मंगलोर आके बने भाई है? हाँ जी, मशीन है 7 फुट। अच्छा, 7 फुट वाली बनवाई जी। छोटे ट्रैक्टर क्या? छोटे ट्रैक्टर। ये कितने की बन गई थी जी? ये दोनों सामान 30,000 में जी। ये और ये मट्टी चढ़ाने वाला 30,000 रुपए। RMD कौन सी जी? ये अजी मित्तल की, मित्तल वालों की RMD है भाई। देख लो ये कितने साल पहले लेकर आए थे? RMD? हाँ जी। ये तो पिछले साल की जी। अच्छा, पिछले साल की। तो RMD की जरूरत पड़ा है जी? जरूर, बिल्कुल, इसके बिना नहीं चलता। हाँ जी। हाँ जी। तो भाइयों रोटावेटर लिया इन्होंने शक्तिमान का। ये 3 फुट लिया जी, फील्ड किंग का जी। आगे से ऐसे लग रहा था, ये भाइयों फील्ड किंग का रोटावेटर है। और ज्यादातर इसमें मैंने देखा शक्तिमान वालों के ज्यादा ले रहे जी। मुझे तो इसमें दिक्कत आई नहीं भाई साहब। फील्ड किंग का बढ़िया लग रहा है। बढ़िया वाला। कितने का आ गया था ये? यह था जी उस टाइम 58,000 का। 58,000 का। तो इसमें जी चौड़ाई क्या ली थी आपने इसकी? इसकी 39 है जी पूरी। अच्छा, 39 है। तो चौड़ाई कितनी रखी आपने गन्ने की? हाँ जी, 52 इंची। 52 इंची, 52-54 बस। 52-54 पे। तो 52-54 पे तो ठीक आ रहा होगा। बहुत बढ़िया जी जी। तो भाइयों यहाँ से आगे चलते हैं। अभी देखो पेड़ पौधों का कितना बढ़िया ध्यान, और मकान भी भाइयों बहुत प्यारी लुक लग रही, शानदार तरीके से बनाया। और एक अपनी खेती में भी इतने शौक से अपनी खेती कर। अच्छा, यहाँ अपनी खेत तो की दवाई रखो। बहुत बढ़िया जी। ये देखो भाइयों इसमें जो है दोनों साइड से। अच्छा, ये जो आपने ममती बनाई जी, जिनने इसमें दोनों साइड लिया? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये क्या सोच के लिया जी? बस सेम पार्टीज होना दोनों साइड। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों इसमें जो है ममती मकान में, मतलब सबसे जो अच्छी चीज मुझे ये लगी इसमें, आमने सामने दोनों साइड में इन्होंने ये ममती ली, देख लो जी। और इसमें किसी आर्किटेक्चर की मदद नहीं ली गई, ये देख लो जी। कई साल से लगातार इसमें कार्य चल रहा। और तो पेड़ जो आपने लगा रखे, इनका शौक मतलब किस है? ये छोटे भाई को ज्यादा। अच्छा, छोटे भाई कुछ मुझे भी। अच्छा अच्छा, मतलब पेड़ों से ज्यादा सुंदरता पड़ रही है ना छोटे भाई के पास? ये मानो जितने यहाँ आगे मिले इतने ही वहां इसी केस में उसके पास। अच्छा अच्छा, वहां पे भी इतनी है जी जी। तो भाइयों दूसरा ट्रैक्टर जो है इनके पास में, ये हो गया फोर्ड 3600। ये भी भाइयों एंटिक ट्रैक्टर इन्होंने रख रखा, ये देख लो जी चौधरी साहब। तो ये कौन सा मॉडल है जी? ये 88 है जी, इसमें काम कराया था 5 साल पहले। अच्छा, 88 मॉडल, नए लिया था ये भी? नहीं, चलता था ये। अच्छा, चलता था जी। अच्छा, फोर्ड जैसे चला रहे आप जी, जुताई उताई में स्पीड बढ़िया की है? बहुत जी लगा। जी लगा ना चलाना? बहुत जी लगा। अब फोर्ड वाले मैंने बहुत किसान देख लिए, कहा फोर्ड चला के जी लगा। मतलब क्या ऐसी खास बात है इसमें? बस ये सारा दबता नहीं ट्रैक्टर, दबता नहीं। हाँ। अच्छा, स्लिप तो ज्यादा ले मेसी की तरह। हाँ। है ना जी। मैं इस पर 7 फुटा रोटर तो पहली बार गिरा। अच्छा, 7 फुटा रोटावेटर। ये कौन सी कंपनी का जी? उसका। अच्छा, गुरुड़ वाला। तो 7 फुटे पे तब नहीं रहा ट्रैक्टर? ना जी, मतलब भी नहीं। अच्छा जी, बढ़िया चला रहा। बहुत। ये देख लो भाई, गुरुड़ का रोटावेटर है और 1988 मॉडल ट्रैक्टर है। देख लो LED लाइट वगैरह लगवा के, मतलब काम करवाया इन्होंने ट्रैक्टर में। तो जी जुताई उताई में, मतलब बड़े ट्रैक्टर जैसे रख रहे किसान, ट्रेंच की खेती में गहरी जुताई भी जब पड़ा है, ट्रेंच से खूड भी निकालने पड़ा है, तो फोड़ बढ़िया कर रहा जी। बहुत जोर का काम कर रहा है जी। अच्छा अच्छा, अगर कोई देख के फोड़ को, मतलब फोड़ के चाहने वाले बहुत रहे,
बिक्री के लिए अगर कोई बात करे? ना जी, इसे नहीं बेचते, इसे नहीं बेचते। ये देखो भाई, सामने की एलईडी लाइट लग रही, और ये इन्होंने भाइयों बनवा रखा खाद भरने के लिए, और मील की मैली जो किसान को डालनी पड़े उसके लिए बहुत बढ़िया कृषि यंत्र है, और मात्र आपको 15,000 रुपए में बन जाए तो ये तो बढ़िया करता होगा जी काम। ये 12,000 का ले लिया, 12,000 का लिया होगा, लेकिन पैसे पीट दिए मैंने, क्योंकि मकान बनाया मिट्टी में भी जरूरत पड़ी होगी ना, मिट्टी में चल रहा है। हाँ, मिट्टी में चल रहा है, बिल्कुल पेट्रोली कल को मिट्टी में जी जी जी। तो भाइयों ये देखो जी, इससे बाद में तीसरा ट्रैक्टर जो है इनके पास में भाइयों, ये है कुबोटा कंपनी का, कुबोटा A211N सबसे ज्यादा किसानों की पसंद बना हुआ है ट्रैक्टर, नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम पे कुबोटा ट्रैक्टर, ठीक है जी। तो आ जाओ भाई सामने आ जाओ जी, ये कौन सा मॉडल है जी? जो भी 21 है जी, 21 मॉडल है जी। तो चौधरी साहब एक चीज बताओ, राठी जी ट्रैक्टर लिया आपने कुबोटा का जी, इससे पहले ट्रेंच पे जैसे आप आए तो देखो सोंज छोटी बनानी थी, तो आपने देखा भी होगा और कंपनियों के भी ट्रैक्टर आ रहे, तो मतलब कुबोटा पे जाने का रीजन क्या रहा आपका? मैं बता रहा जी, मेरे को इससे पहले था फार्म ट्रैक वालों का एटम जी, चलाया बढ़िया लगा ट्रैक्टर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन थोड़ी चौड़ाई ज्यादा थी, 42 इंची मत। अच्छा, चौड़ाई ज्यादा थी उसकी, ठीक है जी। और जी लंबाई भी ज्यादा थी। अच्छा, लंबाई भी ज्यादा थी उसकी, मतलब फिर धोरे भी ज्यादा छोड़ने पड़ रहे थे, ठीक है जी। तो उस हिसाब को देखते हुए उसकी जो पीछे की ये थी ना, हाँ जी, लिफ्ट ये लंबी थी, ये भी पीछे को लंबी थी जी, ठीक है जी। तो इस वजह से मंगा भाई कुलदीप देखवाल को चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा इसको कुबोटा पाए। अच्छा, फिर कुबोटा पाया जी। तो कितने घंटे चला दिया जी आपने लगभग? चला दिया जी 354 घंटे। तो अपने अपने काम में अपना यही 70 बीघे जमीन में खेती कर रहे हैं, अब किराए विराए का तो काम कुछ होगा, थोड़ा बहुत कोई करा ले। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो जी ट्रैक्टर जैसे चला रहे जी, बिल्कुल देखो हमारे किसान अब ट्रेंच पर आ रहे, और आगे जरूरत भी है कि चौड़ाई किसान को बढ़ानी पड़ेगी, और मजदूरों की समस्या इतनी बड़ी आ गई आज के टाइम में कि खेती करनी किसान के लिए मतलब अब कैडा काम है जी, कैडा काम तो होगा। चलो इस तभी ट्रंच की गश्ती हमने कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करना भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, फिर काटने की समस्या, काटने की समस्या। तो काटने की समस्या ट्रेंच विधि में आली अगले साल तक वीडियो आ जाएगी उसकी, बहुत जल्द आपको गन्ना कटाई का तो जुगाड़ मिल गया, बाकी जो गन्ने को काट के जो फैक्ट्री वाले वो जो महाराष्ट्र में चल रही वो मशीन भाइयों अभी 1,00,000 रुपए की कीमत है, वो अभी संभव नहीं है। चार किसान उसे लेना चाहे ना ना ना, वो मील वाले ही ला सकते हैं उसे, अन्यथा वो नहीं आ पाएगी, किसानों के पास की बात नहीं, इतनी महंगी मशीन चला। हाँ हाँ, चुलाई के मामले में आपका लेबर की बहुत बड़ी समस्या, लेकिन अगर बात गन्ना पैदा करने की है तो खेती में कहीं ना कहीं लेबर की कॉस्ट जैसे आपने ट्रेंच पाए तो कहीं ना कहीं घट गई होगी ना? बहुत घट गई जी, सारा गन्ना खुला खड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये जो आपने 21 HP लिया जी, कोई HP के हिसाब से ट्रैक्टर दबता भाई साहब? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा, मैंने आइटम 26 भी चलाओ तो 26 HP का था। हाँ जी, हाँ जी, उससे तो कहीं ज्यादा पावर ले रहा था, कहीं ज्यादा पावर ले रहा। और कुछ ट्रैक्टर की विशेषता लगी हो आपको जैसे चला रही? उससे बहुत ज्यादा विशेषता, इसे कोई से चला लो दूसरे के मीडियम में चला लो, लोग तो आज तक मन्ना लगाया ही नहीं। अच्छा, मीडियम में चलाओ जी, मीडियम में चलाओ जी जी। अगर बात करें किसान ट्रैक्टर लेके चल दिया कर रहे जी, ट्रैक्टर चलाने में आराम से लेके, डीजल के खर्चे की अगर बात करें? डीजल का खर्चा इसका लीटर से ऊपर गया ही नहीं, लीटर से ऊपर नहीं गया जी, चलाने में आराम है बहुत ज्यादा आराम, जैसा कुबोटा कुनुका वाइब्रेशन ना थकता नहीं आदमी, ऐसा कुछ महसूस करा आइटम चला के यार इसमें कुछ थकावट की? कुछ भी थकावट नहीं महसूस, सारा दिन चला दूं गर्मियों में। आइटम आपने चलाया था, मैं इसलिए सवाल कर रहा क्योंकि आपने इससे पहले आइटम भी चला रखा। चलाया जी। हाँ जी, हाँ जी, उसमें और इसमें क्या अंतर आपको लगा? चला इसमें जो अंतर जी, वो पावर स्टीयरिंग था जो सादा था, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसे चलाने के बाद थकावट होती है, ट्रैक्टर को होती नहीं पता, सादे स्टीयरिंग में भी नहीं हो रही। कमाल कर दिया जी। तो भाइयों देखो आज की वीडियो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो राठी जी हम किसानों की वीडियो बना रहे, किसान लूटे ना, एक चीज एक बार लेनी भारी हो जा, मान लिया किसान ने गलत ट्रैक्टर ले लिया, इन वीडियो को देखने का फायदा क्या होगा सर? मेरा तो मानना ही है ये, अगर ट्रंच खेती कर रहे तो कुबोटा से अच्छा ट्रैक्टर है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई तो है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों 90% किसानों के पास में पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड तक ये ट्रैक्टर छाया हुआ है, बिल्कुल धूम मचा रखी इस ट्रैक्टर ने। तो कुबोटा का ये A211N ट्रैक्टर हो गया इनके पास में। इससे आगे भाइयों ये देखो भाइयों इनके पास में एंटिक बुलेट भी आ गई, जो इनके पापा जी, कौन सा मॉडल है जी? ये 2013 मॉडल, बहुत बढ़िया जी। और भाइयों दूसरी मोटरसाइकिल गांव के हिसाब से स्प्लेंडर होगी, क्योंकि देखो क्योंकि आज के टाइम में जो है मोटरसाइकिल तो साइकिलों की जगह आ गई जी, हाँ जी, है ना। और भाइयों इधर बच्चों का जिम विम करने का, और ये देखो शोकेस बना रखा। अब भाइयों थोड़ी सी बात मकान के ऊपर कर लेते हैं, जैसा इन्होंने मकान तैयार करवाया तो जी आपने तो लकड़ी की ही बनवाई होंगे चौखट विंडो का? हाँ जी, सब लकड़ी की। अच्छा अच्छा, शीशम की।
अच्छा बाहर की जो डबल डोर की थी। तो भाइयों देखो डबल पैदाम की चौखट विंडो लग रही, और इसमें फायदा ये हो जाता है, देखो मच्छरों का जैसा गाँव में बाहर वाया मकान है, मच्छर मक्खी की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। तो ये सिस्टम में बनवाया था जी आपने? हाँ जी। और जो ये इसकी बात करें चौखट की जी, ये भी सब सिस्टम की है जी। अच्छा सब सिस्टम की। ये गेट जी? हाँ जी ये भी। अच्छा सिस्टम में जी? हाँ जी। सिस्टम में तो महंगा पड़ा होगा जी, हमारे पास थी। अच्छा अपनी सिस्टम थी, बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों देख लो सिस्टम की चढ़ रही जी चौखट विंडो सारी की सारी। ये चीज सिस्टम की चौखट विंडो आपको बहुत कम किसान के पास में मिलेगी, क्योंकि महंगी चढ़ा जी, सब चाप की चीड़ की इसी तरह की चढ़ा वाला जी। और ये देखो भाइयों इनका ये पूजा का अपना हो गया जी। ये कौन से बता रहे थे आप? गांवडोली से आज, ये मंगत राम महाराज जी। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब इन्हीं के है ना सत्संगी? ठीक ठीक सत्संगी। अच्छा अच्छा, ये सब सामान वही रखा है ना? हाँ जी। ये भाइयों देखो कूलर भी है, थार ये वहां से मंगाया था क्या जी? हाँ जी, करनाल से। अच्छा सर इसी के साथ है। ठीक ठीक, ये देखो जी भाइयों। और यहाँ पे भी देखो फोटो दिखा दूं मैं एक बार आपको, तो सारे के सारे मकान में चौखट विंडो सब यही है? हाँ जी यही है। ठीक ठीक ठीक, ये जी फोटो? हाँ जी बाबा जी हमारे। अच्छा ये बाबा जी हो गया आपके? हाँ जी। ठीक है जी, ये बड़ बाबा जी हो गए हमारे। अच्छा ये बड़ बाबा जी हमारे। अच्छा ठीक, ये भाई जी इनके बड़ बाबा जी हो गए। क्या नाम था जी इनका? इनका चौधरी सुखबीर सिंह। चौधरी सुखबीर सिंह जी। और उनके बाबा जी? करण सिंह जी। करण सिंह जी, इनके पापा जी आप क्या कहले थे? अच्छा। नहीं पापा जी इनके तीन भाई। अच्छा तीन भाई इनके पीछे मकान। अच्छा अच्छा ठीक, आप फिर तीन हो गए? हम फिर। ठीक है जी। तो भाइयों देख लो जी, तो भाइयों आज की वीडियो में जो इनसे परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन लिया गया, वो इसीलिए लिया गया कि काफी सारे भाई हमारे से ये कहवा कि राहुल भाई जब वीडियो बनाओ तो परिवार का परिचय ठीक से ले करो, ताकि एक रिश्ता ढूंढने में भी आसानी मिल जाए। ये देख लो मैंने मकान आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका टंकी होगी गेहूं और धान के लिए, ये भी बहुत जरूरी चीज है। ये स्प्रे टैंक हो गया इनका। ये कहाँ का जी बनावा? ये भी थीत की का जी। अच्छा थीत की का है ये सभी 15 साल हो गए जी। जी जी। तो भाइयों यहाँ से मैंने दिखा दिया, सामने देख लो दोनों साइड में एक सा ही इन्होंने नक्शा पास करवा रखा। तो जी इन पे सब पे ऊपर ये कमरे बना रखे है ना? हाँ जी। टोटल में वर्क वही है सिस्टम का? ऊपरली तरफ 11 कमरे हैं जी, इधरली साइड। अच्छा 11 कमरे है। ठीक ठीक। तो जी जैसे बात करा है ऊपर आपने, भाइयों देखो ऊपर फैमिली है तो प्राइवेसी भी थोड़ी सी रखनी पड़े, मैं ऐसे ही दिखा रहा आपको। ये जो है ऊपर जो कितने कमरे बनवा रखे जी? 11 कमरे बन रहे जी। तो ऊपर देखो कितना बढ़िया इन्होंने अपना रहने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिजाइन भी बना रखा, 11 कमरे ऊपर है इनके। तो पत्थर वत्थर ऊपर अपना कम्प्लीट करवा जी, सब कम्प्लीट। और अब जो काम बता रहे आप चल रहा है, आप क्या करवा चल रहा है? अच्छा अब निश्चय करवा रहे जी। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, मैं चौधरी साहब का नंबर और दे दूंगा वीडियो में, एक बार नंबर और बता दीजिए किसी को कोई। 97 19 जी 74 13 34। अच्छा अच्छा, ये भाइयों नंबर है ब्रह्मपुर जट, भूतपुर जट। हाँ भूतपुर जट है, उत्तराखंड का गांव है। और ये भैया जी, ये बेटे आप? हाँ जी। क्या नाम भैया? कुणाल राठी। कुणाल राठी, बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार। एक बार राठी जी के मम्मी पापा जी से मिलवा दे। हाँ जी राम राम जी। और ठीक हो जी? बढ़िया। बस अड्डे में टीवी देख रहे, मजा ले रहे। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बाड़क सही कर रहे। मकान का नक्शा ही नहीं बना। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है जी आपका? किशनपुर बिराड़। किशनपुर बिराड़ से हो आप? उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तराखंड में भी यार देख लो है। एक राज्य पार कर दिया पूरा। आपका नाम जी? ओम सिंह राठी। अच्छा आप खेती कर रहे थे या पहले? अच्छा खेती कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ तो बाड़क नंदे हो गया, अब क्या दिक्कत है जी? देखो भाई टीवी चल रहा है अपना।